अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती, जहां कण कण में विराजमान है देव, इसीलिए इसे कहा जाता है देवभूमि। उत्तराखंड के गांवों में देवी देवताओं के प्रति सदैव ही लोगों की गहरी आस्था रही है। यहां समय समय पर देवताओं के मंदिरों में विभिन्न भक्ति कार्यक्रमों अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। प्रकृति की गोद में बसा शांत और सुंदर गांव है लुएठा। लुएठा गांव जो उत्तराखंड में जिला पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पोखड़ा ब्लॉक में आता है। इस गांव में लगभग 160 परिवार रहते हैं। गांव में पहुंचते ही मंदिर में भजन कीर्तन की आवाज सुनते ही मन भक्तिमय हो जाता है। इस गांव के लोग जो अपने इष्ट देवता निरंकार की पूजा के लिए नतमस्तक हैं, वैसे तो निरंकार देवता की पूजाई हर 12 साल बाद होती है, लेकिन इस बार यह 35 साल बाद होने जा रही है। ये कार्यक्रम लगभग 35 सालों के बाद हो रहा है। छोटी पूजाएं चलती रहती लगातार 2 महीने 4 महीने साल भर में। वैसे तो पूजाई की तैयारी काफी पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन पूजाई के एक दिन पहले गांव के सभी लोग पंचायती घर में इकट्ठा होकर 34 साल बाद होने वाले पूजाई कार्यक्रम की चर्चा करते हैं। देखो जैसे आपके पास जुनून है, जोश है, आप लोगों को संभल हो अपनी पूजा करो। चलिए गांव के प्रधान जी से ही जान लेते हैं। हमारे गांव में करीब 80 परिवार जो बसनवाल बिष्ट हैं वो रहते हैं, और साथ में 10-15 परिवार गुसाई लोग हैं, एक परिवार रावतों का भी है और 2-3 परिवार चौहान हैं। हम जो भी कार्यक्रम करते हैं गांव में सब मिलजुल के करते हैं। हालांकि ये हमारे बिष्टों के आराध्य देव हैं, लेकिन जो पूरा गांव है वो पूरा का पूरा गांव, सारे गुसाई बिष्ट रावत चौहान सब इसमें शामिल हैं। सब लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। और ये जो प्रोग्राम है हमने 19 और 20 दिसंबर को सम्पन्न होना रखा है। इस दौरान सभी परिवार अपने अपने सभी रिश्तेदारों को पूजाई में आमंत्रित करते हैं, और पूजाई के दौरान पूरे गांव में आस्था की रौनक छाई रहती है। चर्चा होने के बाद पूरा गांव पूजाई के कार्यक्रम में तन मन से जुट जाता है।
इधर बाकी लोग देवता के भंडार गृह में इकट्ठे होने लगते हैं, जहां पर पूजाई का कार्यक्रम होगा। पूजाई का कार्यक्रम 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक होता है। दूसरे दिन सुबह गांव वाले उठ नहा धोकर अपने आराध्य देव निरंकार भगवान की सेवा में भंडार गृह में पहुंच जाते हैं। पूजा के दौरान गांव के अंदर शराब व मांस मछली अंडे का सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। पूरा गांव निरंकार देवता की भक्ति में लीन होकर नाचने लगते हैं। पूरी घाटी निरंकार देवता की जय जयकार से गूंज उठती है। निरंकार भगवान को विष्णु के रूप में माना गया है। जागर में ब्रह्मा जी व सृष्टि उत्पत्ति के साथ साथ देवी का भी प्रसंग आता है, तो चलिए जागरी जी से ही जान लेते हैं। महाभारत का युद्ध समापन हुआ ही, वो एक बाद कौरव पांडव सेना सब खत्म हो गया। तब आमगनोम उन नौचों को दुशाला दुशासन की बहन और गंदा नरेश बहन है। तो जब महाभारत सब योद्धा खत्म होएगी, कौरव पांडव खत्म होएगी, तब आमक दोष निराकार पर विष्णु भगवान, तो कृष्ण भगवान भी विष्णु भगवान भी महाभारत की कहानी पूरी आ। वो एक बार तब दोष निरंकार पर लग तो निराकार जो कोई आकार नहीं थे, ना ये कोई फोटो थे ना कुछ थे, पर एक असल रूप शिव जी का रूप मने जान और उन विष्णु रूप भी हम दुई रूप हम एक पूजा कर रहे। जब निरंकार जब तसे बानर दिनों उबर विष्णु जी का रूप दिनों कृष्ण भगवान का रूप दिनों, दूसरा जब हम एक मध्य बना उबर शिव जी के रूप से एक पूजा कर दो। आजा कु सगनो होया मामो मामो खरा सामो तारा निर्मल आसन चारो जी आज भगवान ओ रन से मामो खरा सामो तारा निर्मल आसन बोलो चारो जी नारा मामो बोलो चारो बिकी घुमा चारो रूपी मनार बोल चारो जी आज मामो गुरु सिंधु देसागरा आस खास की झोपड़ी वेली तेरी बोली मेरा मामो आज मामो साई कवे जरा निर्मय जू मैदी वेलो तोता मेरा मामो आज मामो सिंधु देसागरा चर नालिका सौका सीना बोली मेरा मामो वाला मामो पावड़ी कठवा पूरा उदिका पंडव जी नाम। निरंकार देवता अपने पौराणिक भंडार गृह में
भंडार को देखने जाते हैं। साथ में भक्तों का हुजूम भी निरंकार देवता के पीछे पीछे जय जयकारों के साथ चल पड़ता है। पौराणिक भंडार गृह जहाँ पर पौराणिक वस्तुएं रखी रहती हैं। देवता के गांव में केयर मारने के बाद पूजा के नियम और भी कठोर हो जाते हैं। इस दौरान गांव में चमड़े का सामान, जूते, चप्पल, लोहे के हथियार लाना वर्जित हो जाता है। इस पूजा के दौरान लगभग 8 से 10 हजार लोग बाबा के दर्शन के लिए गांव में आते हैं। चलिए गांव के प्रधान जी से जान लेते हैं। इस पुजारी में हमने बाहर के गांव वालों को भी इनवाइट किया हुआ है, जो हमारे वैसे तो पब्लिक कोई भी आ सकती है, किसी के लिए आने के लिए मना नहीं है, सब लोग इसमें आते हैं। लेकिन जो हमारा गांव एक मल्लीवीणा गांव है, जिसमें हमारे ही बसनौलविस्ट लोग रहते हैं, उनको हमने आमंत्रित किया हुआ है। वो अपने देवता सहित पूरे दलबल के साथ में, पूरे गाँव वाले अपने गाजे बाजे के साथ में, दलबल के साथ में यहाँ पर आएंगे। साथ में हमने हमारे पड़ोसी गांव जो श्रीकोट है, श्रीकोट को भी देवता के साथ इनवाइट किया हुआ है। वो लोग भी पूरे गांव के साथ में, दलबल के साथ में आएंगे। दोनों गांव का हम लोग स्वागत करेंगे। और जो बाकी भी गांव हैं जहां पे बिष्ट परिवार रहते हैं, हमारे बसनवाल बिष्ट रहते हैं, उनको हमने पर्सनली इन्वाइट किया हुआ है, इंडिविजुअली इन्वाइट किया हुआ है उन परिवारों को, वो भी इसमें शामिल होंगे। और जो आजू बाजू के गांव हैं, करीब 8-10 गांव, उनमें हमने जो टोकन इनविटेशन भेजा हुआ है, जो कि गांव अपने अपने गांव से 5-5 लोगों को यहां पे अपने रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजेंगे। और ये कार्यक्रम 19 की शाम और 20 की सुबह, जो मेन कार्यक्रम है 20 की दोपहर 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। 19 दिसंबर को बाना पाया देवी पूजन होता है। 20 दिसंबर को सुबह 4 बजे देवता का बार और दिशा बैंड का कार्यक्रम होता है। इस वीडियो का अगला भाग बनाने के लिए कृपया कमेंट्स बॉक्स में जाके ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करें। जय निरंकार देवता।